जी मेरे पास तीन अलग अलग टेबल है, ठीक है। टेबल वन में डेटा आप देख रहे हैं जो कि 1 से 20 तक है। टेबल टू में आपका ये यहाँ पे 41 से लेके 63 63 तक है। तक है, और इसमें आपका 21 से 40 तक है। अब ये इसकी मैं डिजाइन मोड में जाता हूँ और ये जो बाय डिफॉल्ट आईडी बना हुआ है उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। इसकी भी डिजाइन मोड में आता हूँ, D2 में, और इसकी दो दो आईडी है ना, इसलिए सर एक डिफॉल्ट आईडी बना देता है जब आप इंपोर्ट करते हैं। अब मेरे मुझे क्या है कि मुझे एक टेबल में तीनों डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट चाहिए, ठीक है सर। ठीक है सर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन क्रिएट में जाते हैं, डिजाइन क्यूरी, और इसकी यूनियन टर्न क्लिक करते हैं। एक यूनियन टर्न क्लिक करते हैं, यूनियन में क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल मोड में चला जाता है, डेटा सिर्फ व्यू में फिर रहता नहीं है, ठीक है। ठीक। तो मैंने यहां पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D1, राइट। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा यूनियन ऑल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D2, फिर यूनियन ऑल, और यहां पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D3, ठीक है। ठीक है सर। और हमने यहां पे इसको सेव कर Q1 के नाम से। अब Q1 के जैसे रन कर रहे हैं, ये देखिए 1 से लेके 60 तक का नंबर सिक्वेंसली आपको यहां दिख रहा है। अब इसको एक काम करता हूं, मैं शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो पूरा 1 से लेके 60 का डेटा आपको मिलेगा, ओके, समझ गए। तो समझ गया सर। यूनियन ऑल का मतलब होता है, यूनियन ऑल का मतलब होता है कि आप जो है दो टेबल के बीच के डेटा को क्लेट करते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है, समझ गया। यूनियन ऑल, ये यूनियन का काम यही होता है, अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। विदाउट इसमें नहीं, सर, कुछ डाउट नहीं। और पास थ्रो में सर?